खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नशा मुक्त अभियान के तहत आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम साईं मंदिर के सामने आयोजित किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो हम नशा करते हैं उसे किस तरह से हमारा समाज में अपमान और शरीर को नुकसान होता है। नशीली दवाओं से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में भी जागरूक किया गया। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में डॉक्टर पालसी पांडे ने बताया कि जो नशा करते भी हैं उसे छोड़ना आसान है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम का आयोजन और सुनाते हैं डॉक्टर पालसी पांडे ने क्या जानकारी दी है। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर पालसी पांडे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से यहाँ नशा मुक्त भारत अभियान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नुक्कड़ नाटक की सहायता से हमारे बच्चे यहाँ पर जो जन सामान्य है उनको अवेयर करा रहे हैं कि किस प्रकार से हम नशा करते हैं तो हमारा फैमिली और फैमिली के अलावा भी जो हमारा सोसाइटी है किस प्रकार से खोखला हो रहा है और क्या इसके दुष्परिणाम है। जो नशीली दवाएं ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए और इसी के लिए हम ये छोटा सा ये हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों की सहायता से हम किस तरह से अपने मनोबल के द्वारा और कुछ औषधियों के द्वारा हम इसको नशे को की लत से आगे उभर सकते हैं और इसमें हमारा आत्मविश्वास किस तरह से काम आता है। तो ये एक नुक्कड़ नाटक बस यही प्रस्तुति करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को पूरे पब्लिक में अवेयर कर रहे हैं, उनको जो है एजुकेट भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर पालसी पांडे लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में। हाँ हाँ, हजार रुपए दो ना। हजार रुपए? चार पांच दिन पहले दिए थे ना हजार रुपए। क्या हो गया बेटा? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, पापा को क्या हो गया? ठीक है डॉक्टर साहब, ये लीजिए टेस्ट करवा लो। चलिए पापा जीवन को खोखला नहीं करता, ये जीवन को भर देता है। अरे नौरा भाई इंटर देखो, तो कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पादों नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिजनों मित्रों परिजनों को भी तंबाकू उत्पादों